सरकार इस बात पर अडिग है कि हम दिल्ली में घुसने नहीं देंगे और किसान इस बात पर संपूर्ण रूप से साहस के साथ डटे हुए हैं कि हम दिल्ली में घुस करके ही दम लेंगे। परिस्थितियां चाहे जो भी हों, हम इस समय है गाजीपुर से आए हैं और गाजीपुर के बॉर्डर पर हैं दिल्ली में दोस्तों, और यह गाजीपुर का बॉर्डर है, गाजीपुर और दिल्ली की सीमा है। आप देख रहे हैं हाथ डट गए हैं। सर ये लाठी लेके क्यों आए, किसको लाठी आएंगे? झंडा और डंडा, हाँ। ये हमारी पहचान है। ये अच्छा। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने 1986-87 में जब यूनियन का गठन किया, हाँ। उन्होंने हमें यही मंत्र दिया था कि अपना झंडा और डंडा जिसका मजबूत होगा। तो डंडा से क्या मतलब, अगर कोई आक्रमण करेगा तो उसको पीटेंगे? भैया यदि हम खुद मरने की स्थिति में आएंगे तो कम से कम दो चार तो पिया ही देंगे। दो चार अभी पिलाए हैं कि नहीं किसी? नहीं अभी पिलाए नहीं है। शांतिपूर्वक। कितने दिन से आप लोग हैं, कहाँ से आए हैं? भैया सरसावा ब्लॉक जिला सहारनपुर। सहारनपुर से आप आए हैं। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हैं। बताते चलें कि किसान यहाँ पंजाब हरियाणा और अन्य प्रांतों से डटे हैं, बिहार से भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? सहारनपुर जिला जी, नुकर तहसील। कितने दिन से आप लोग हैं? 21-22 दिन हो लिए। हाँ 22 दिन से यहाँ डटे हुए हैं लोग। और क्या है, क्यों, क्या दिक्कत आप लोगों को हो गई? भैया जो ये MSP है, ये जब तक इसकी है तो गारंटी दें कि हमारा पूर्ण फसल को ये उस रेट पर खरीदेंगे। हाँ। यदि हमारी फसल, हाँ, बाई चांस कम स्थिति अच्छी नहीं है, हाँ, तो उसका जिस तरह गन्ने में रखा है, 3 रेट गन्ने में रखे है, हाँ, जो सबसे महंगा गन्ना है उसका अलग रेट, 20 रुपये कम सेकेंड रेट और थर्ड रेट 30 रुपये कम। तो MSP में यदि ये गारंटी कानून देंगे तो तब हम मान्य MSP होगी। और वह तो कह रहे हैं हम संशोधन के लिए तैयार हैं। संशोधन के लिए तैयार हैं तो संशोधन तो इसलिए तैयार करें क्योंकि खुद मान रहे हैं कि MSP में कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई, तो हम ये चाहते हैं कि इस MSP को हटाया जाए और इस पर गारंटी से कानून बनाया जाए। देखिए सामान्य किसान नहीं है, लोग तैयारी के साथ आए हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? जिला मुजफ्फरनगर से। जिला मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से आप उत्तर प्रदेश से, आप भी किसान यूनियन? हाँ किसान। तो रात को ठंड नहीं लगती है क्या? रात को ठंड लगे, बैठ के अपनी आँख आगे काट ले, आँख के आगे तो आपके कटते रात। अच्छा सर नमस्कार। नमस्कार। वरिष्ठ नागरिक हैं आप, शुभ नाम आपका? रणधीर। रणधीर, रणधीर बालियान। रणधीर बालियान, हाँ जी। रणधीर मतलब रण में डटे हुए, हाँ जी। और हटेंगे नहीं? नहीं हटेंगे बिल्कुल। हम तो तंग हो रहे बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा तंग। उम्र कितनी? उम्र होगी जी 70 साल। 70 से अधिक? हाँ हाँ जी। 70 से। आप महेंद्र सिंह टिकैत के साथ रहे? हाँ जी। 87 लगभग 32 साल पहले ऐसा आंदोलन हुआ था, महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली को घेरा था और दिल्ली में 1,00,000 से अधिक किसान दिल्ली में घुस गए थे और सरकार को वापस लेना पड़ा था कानून। आप भी वहीं से आए हैं? मैं जिला संभल से आया हूं और वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हूं किसान यूनियन से। मोदी जी झूठे वादे करते हैं। अच्छा। और झूठी सरकार है। झूठी सरकार जी, किसान के हित में नहीं है? नहीं, किसान विरोधी सरकार है। किसान विरोधी जी। उखाड़ के फेंकेंगे आप लोग? मतलब उखाड़ के जब तक सरकार नहीं मतलब झुक रही है। जब किसान मजदूरी सरकार को बना सकता है तो किसान मजदूरी सरकार को गिरा। चलिए हम यूपी से बढ़ते हैं पंजाब की तरफ। वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। कुछ युवा पंजाब के, कुछ युवा नौजवान कहाँ से आए हैं? पंजाब से नहीं है हम, यूपी से ही हैं। अच्छा, हम भी, हाँ, बिल्कुल जी। पंजाब के लोग तो हर जगह हैं, कहीं बात बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब से भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं। उत्तराखंड से? आप उत्तराखंड? कहाँ से? उत्तराखंड में हम बाजपुर उत्तराखंड नैनीताल के पास से आए हुए हैं। हम ये काले कानूनों का विरोध करने के लिए जहाँ सब लोग पहुँच रहे हैं, अपना अपना फर्ज हम भी निभाते हुए यहाँ पे हम पहुँच रहे हैं। तो ये हम जो भी कानून है। सर 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 प्लीज नमस्कार। एक सर जुट गए हैं या सेना में रहे होंगे, सेना के अधिकारी। शुभ नाम सर आपका? मैं कर्नल गुरदेव सिंह। कर्नल गुरदेव सिंह रुद्रपुर से आया। रुद्रपुर से। सर क्या परिस्थिति हो गई? आपने कर्नल रह करके सेवा किया, देश की सीमा पर भी रहे होंगे, कुछ युद्ध में भी रहे आप? जी मैं रहा, मैं तकरीबन टोटल 38 ईयर्स आर्मी में सर्विस की है। अच्छा। और मैं श्रीलंका में भी जब IPF के थे उसमें भी रहा हूँ, कारगिल में भी रहा हूँ और मेरी जम्मू कश्मीर में 8-9 साल सर्विस है। उसके बाद मैं विदेशों में रहा हूँ, चाइना में और भूटान में। अच्छा, अच्छा। जी जी। अनेकानेक देशों में, श्रीलंका में भी रहे और कई युद्ध में रहे। तो सर क्या परिस्थिति आ गई? आप तो यह रोड जाम करना और ऐसे क्या है मामला?
मामला तो है तो देश का ही और देशवासियों का है जी। और सरकार थोड़ी कुछ जल्दीबाजी कर गई, जो इलाज था वो नहीं कर पाई जी। दिक्कत हमारी ये थी कि जब अंग्रेज आए तो हमारा यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम था जी, बनाने का प्रोसेसिंग वो सारा ख़त्म कर गए, वो व्यापार वर्ग शुरू कर गए जी। तो उस व्यापार वर्ग में भी क्या होता है कि हर चीज़ 5-6 जगह बिकती है जी। हमारी जो सब्जी है 5 रुपये हमारे से उठाई जाती है और आप लोगों को शहर में आके 50 की मिलती है जी। तो कहीं ना कहीं उसको लगाम लगाना था उस सिस्टम को। हमारा पैसा, हमारी जो लागत थी, जो MSP बात चल रही है, जो सरकार अब मोदी जी ने बोला भी था अपने मैनिफेस्टो में कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे और 1.5 गुना देंगे, तो उसको लागू करके और उसके बाद कंट्रोल लगाना चाहिए था कि किसान की सब्जी 10 रुपये से कम नहीं उठेगी और बाज़ार में 30 के ऊपर नहीं बिकेगी। प्रोडक्शन एक सीमा रेखा, हाँ जी जी जी, गेहूँ जो है 2000 की खरीदी जाएगी और कच्ची गेहूँ 2500 के ऊपर नहीं बिकेगी। हाँ जी, धान जो है 1800-1900 का खरीदा जाएगा और चौल जो है 3000 से ऊपर नहीं बिकेंगे। इस तरीके से दालें हैं, इस तरीके से लगाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो जड़ को ट्रीटमेंट देने की बजाय सोचा कि चलो शायद पत्तियों को पानी डाल दें तो वो हरी हो जाएं। पत्तियों को डालने पानी डालने से हरी नहीं होती हैं, जड़ में पानी नहीं डाल पाए हैं। और सरकार ने ये अगर पीयूष गोयल जी ने जिस दिन स्टेटमेंट दी 10 तारीख को इंग्लिश में दी, उन्होंने कहा कि ये बिल व्यापारियों के लिए बनाए गए हैं और संविधान के व्यापारिक अनुच्छेद में बनाए गए हैं जी। तो फिर हमारा कृषि बिल कहाँ से आ गया और वेलफेयर कहाँ से आ गया? सो एक क्लियर, ये व्यापारियों के बनाए गए थे, सरकार को इज्जत से किसानों के साथ ये बिल कैंसिल करके व्यापारियों के लिए अलग बनाओ, हमें हमारी MSP दो, मार्केटिंग ठीक करो, उसके बाद आप व्यापारियों से निपटते रहो। क्या लगता है सर, इसको वापस लेंगे? लेना चाहिए। अगर देखो, मैं तो एक दिन के लिए आया था, आज मेरे को 3 दिन हो गए, दुख होता है, लाखों भाई बैठे हो, दुख होता है। सरकार को समझना चाहिए, ये आहे हैं, ये आहे हैं जो उनको उनका सीना फाड़ के उनको हम खत्म कर देंगे अगर नहीं वापस लिए तो। इनको इज्जत से वापस भेजो, इनको इज्जत से वापस भेजो, ये तो अंदाता है। किसान शहीद हो, किसानों को इज्जत से वापस भेजो। और किसान ठंड में ठिठुर रहा है 3 डिग्री सेल्सियस, और यह कर्नल की आंखों में आंसू यह बता रहे हैं कि मामला निश्चित ही गंभीर है, लेकिन सर यह सड़क जाम करना और ये सब तो विधि के प्रतिकूल है। सर आप तो सेना में रहे हैं जी, सड़क के पहले ही जाम हुई है, ये मई से ही चल पड़ा था कि इसमें कमियां है जी। और अक्टूबर तक लोग कमियां दूर करने के लिए कह रहे थे, सरकार तो सुनने को तैयार ही नहीं थी। जब बैरी हो जाती हैं तो फिर बैरे को तो किसी तरीके से सुनाया जाता है, ये आपको पता है। किसानों की गलती नहीं है, किसानों ने अपने डेलीगेशन भी भेजे उनके पास, छोटे छोटे धरने भी लगाए कि जो कमियां है वो दूर कर दो, हम बिल एक्सेप्ट है। सर पंजाब में कहाँ से हैं आप? मैं यूपी उत्तराखंड से, रुद्रपुर। अच्छा, से रुद्रपुर से हैं जी, जी। देखिए कर्नल साहब से हमने बात किया, इनकी आंखों में आंसू छल छला गए यह देख करके कि किसान किस तरह से आज परेशान है, मजबूर है, रात में ठिठुर रहा है। और इसी में यही बात, तू कहाँ आ गई लू का है? तो किना मिला खाना पीना तो है बात, चला तो खिया नहीं हवा, देखिए खाएंगी नहीं। अब देखिए मैं दिखा रहा हूँ लंगर चल रहे हैं, लेकिन मांगने वालों की भी दिक्कत है कि उनकी आदत है, और आदत की परिभाषा है जिसके किए बिन रहा न जाए। खेतों में चलने वाले ट्रैक्टर और आज यहाँ चल रहे हैं, देखिए सरदार जी चला रहे हैं ट्रैक्टर, और कहीं इसकी गाड़ी भी होगी। आप देखिए यहाँ भजिया कहीं पकौड़ी कहीं पकौड़ा यह सब बन रहा है, बड़े बड़े पात्र हैं। सर 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 आवा खाला कंबल तना बा कौन चीज दें तो के बच्चा भात खा तो के। अच्छा ठीक है, चला हम वीडियो कह लेती। कहाँ से आई ली हो, कहाँ से आई हैं आप? यहाँ से आन है या कोढ़ा से बाबू मरे जाए थन जा रंग। पैसा तो बहुत मिल गया है आपको? कुछ नहीं, हाँ दे दे बहुत मिल गया है, बस एक दाना नहीं बाबू, 5 रुपया कुल पान दे बच्चा, ये कमर बढ़िया। चलिए चलिए हम भी दे देते हैं आपको। चलिए या फिर हम ही से मांगने आएंगे, क्योंकि इनको आदत है मांगने की। इधर देखिए कहाँ से आए सर? दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तय किया है कि यहाँ कोई किसान भूखो नहीं रहेगा और जहाँ तक बन पड़ेगा सभी को खिलाएंगे। और सभी को कहाँ से आए सर? गुरुद्वारा बंगला साहब से। मेरे अच्छा, बंगला साहब से वहीं से। तो यह देखिए हमने दिखाया और यहाँ इनके लंगर लगे हुए हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब, यह भी है, यह भी चाय का स्टॉल है,
या भोजन और नाश्ते का स्टॉल है। चारों तरफ जिधर आप देखेंगे उधर स्टॉल लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि सरकार कानून वापस लेती है अथवा किसान पीछे हटते हैं, या तो समय ही बताएगा। लेकिन किसान डटे हुए हैं। फिर मैं आगे दिखाऊंगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से, आज गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।